हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मम्मा ने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बात बताता हूँ कि कल पापा मम्मा की एनिवर्सरी है, तो मैं कह रहा था कि मम्मा आपको क्या चाहिए, तो वो बता नहीं रही थी कुछ भी। तो चलो पूछते हैं। आपने व्लॉग नहीं स्टार्ट करा? मैं भी थोड़ा बिजी थी। आप क्या कर रहे थे अभी? हैं स्टार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। हो क्या बात है, आपने स्टार्ट कर लिया। तो कल एनिवर्सरी है। हाँ क्या लोगी? आप लोगी मुझे? हाँ क्या लोगी? जो आप कहोगी। आज चलना दुकान पे। अच्छा चलेंगे आज शाम को, ठीक है? पसंद कर लेना कुछ भी। हाँ पसंद कर लेंगे। तो चॉकलेट दिला देना एक, मम्मा पापा को तो चॉकलेट ही दे देते हैं। अरे मेरे पास अभी थोड़े से पॉकेट मनी है। ओ, तो मतलब मैंने बचा के रखी है। बचा के रखे हुए हैं? हाँ। ऐसे दिलाओगे आप? हाँ। मैं तभी तो सोच रही मैं दिला नहीं सकता है मेरे पास। क्या सोच रही हूँ क्या ले सकते हैं आपसे? सब बच्चों के लिए तो सबसे बढ़िया यही होता है, माँ बाबा को चॉकलेट दे सकते हैं। है चॉकलेट तो फ्रिज में खा लो। तू है मतलब वो नहीं देनी, चॉकलेट नहीं देनी आपको? नहीं कुछ और देंगे। चलो बस आप मुझे मार्केट ले चलना, ठीक है? मैं बता दूंगा क्या लेना है, मैं देख लूंगा अपने आप। अपना देख लोगे? हाँ आप पसंद कर लेना उसमें से। चलो देखते हैं क्या बोलो आप। दोस्तों कल है 2 दिसंबर, तो हमारी एनिवर्सरी है। सार्थक ने बताया ही था दिन में, मैंने ब्लॉग मतलब स्टार्ट नहीं किया था सुबह से, थोड़ा बिजी चल रही थी इसकी वजह से। तो सार्थक ने स्कूल से आया, बोला मम्मा आपने ब्लॉग मतलब स्टार्ट किया? तो ना मैंने उसको बोला कि नहीं मैंने नहीं स्टार्ट किया। तो उसने आज स्टार्ट किया ब्लॉग, बोला आज मैं करता हूँ। मैंने कहा चलो कर लो कोई बात नहीं। तो सार्थक गया अपने पापा के साथ कि कुछ गिफ्ट लेके आना है, तो उनको ले गया। मुझे बोल रहा था कि मम्मा चलो, लेकिन मैं तो गई नहीं, और अपने पापा को ले गया जिद करके कि चलो मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आना है। तो अब देखते हो क्या लेके आता स्पेशल गिफ्ट। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, शगुन भी बहुत ज़्यादा रहता है, शगुन को भी रहता है कि क्या दूँ मम्मा क्या दूँ। तो दोनों बच्चे ही ऐसे हैं, बहुत मतलब खुश रहते हैं। अब शगुन तो कह रहा कल लेके आऊँगा कुछ, और उसका कल एग्ज़ाम भी है ना, तो बोल रहा है कि जब एग्ज़ाम दे के मैं घर आऊँगा ना तब आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। और सार्थक ले गया अपने पापा को। सार्थक की दीपावली शॉपिंग खत्म होने के बाद अब सर्दियों की शॉपिंग शुरू। छवि तो नहीं लेगा? घर के जैसी? मतलब लड़के जैसी तो यही है। लड़के जैसी या घर के जैसी? सही है डेली यूज के लिए तो ऐसे ही पहन। मुझे तो सब ज्यादा ठीक से ही लग रहे हैं, और भैया एक दो और लेने गए हैं तो देख लेंगे। ज्यादा गर्मी तो नहीं लगेगी? ये ठंडी रहती है। जब बर्फ में जाओगे तो ज्यादा गर्मी वाली चाहिए। जब गर्म चीज लेनी है तो गर्मी गर्म है, ज्यादा गर्म तो चाहिए चाहिए। चलिए सार्थक की शॉपिंग। एक पसंद आया मुझे, और भी आई है अभी देखो। हेलो एक लिया। सार्थक ये तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, अब देखो अच्छा लग रहा है, मैच भी हो रहा है मेरे। भाभी जी और भाईचंद मिले हैं सार्थक की शॉपिंग के लिए आए थे, पहचान लिया इन्होंने। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भैया, बहुत पसंद आती है हमें इनकी वीडियो। थैंक यू सो मच। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं भी वीडियो देखता हूँ, मैंने पहचान लिया है ग्रीन शर्ट का क्या जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे। मैं देखता हूँ कपल मैचिंग में रहता है, तो अलीगढ़ के लोग तो पहचानते ही हैं ना, बाहर के भी देख लेना। मैचिंग की कोई चीज़ चाहिए तो आ जाना इनके पास। तो दोस्तों आया हूँ मैं मैचिंग की शर्ट लेने, लेकिन मैचिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है। भैया बहुत मेहनत से लगे पड़े हैं, 6-7 लोग,
इधर से उधर से लाने में मैचिंग, लेकिन नहीं हो पा रही है प्रॉपर। लेकिन हो गई है एक दो डिजाइन मैचिंग। भैया के साथ की मैचिंग बनी है, भैया के साथ बहुत मेहनत करके निकाल के लाए थर्ड फ्लोर से। ये निकाल दी दूसरी मैचिंग भैया की, ये बना कर दी है दूसरी मैचिंग है भैया की। बहुत देर से लग रहे हैं मैचिंग एक रहेगी भैया की, एक रह गई है। ये कौन निकलवाते हैं, शादी करवाते हैं, चल रही है प्रक्रिया। सब लोग लगे पड़े हैं, तीन चार लोग भैया लेके गए हैं दोबारा तो मैचिंग के लिए। कराएंगे सर मैचिंग, कराएंगे बढ़िया मैचिंग कराएंगे सर जी। मैच हो गई है, कम से कम एक डेढ़ घंटा लग गया मुझे। भैया सब मेरे लगे हैं, अब ये मैच हो गई है, दो करा दिया है आज। हाँ मैच हम लोग चलते हैं अब। इतनी मेहनत के बाद फिर आ गया एक इशू साइज का, टमी से नहीं आ रही है। अरे मैं वो ब्लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बढ़िया ही है, मामला खराब। जब कलर मैच होने के बाद साइज का इशू हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत। आज तक लेने आया ड्राइंग का सामान, दोस्तों सार्थक आ गया है। और सार्थक को क्या चीज दिखाओ, मैं मिटा के दिखाऊं। ऐसे नहीं मिटा के जैसे हम मिटा रहे हो। ये जेल पेन को नहीं मिटाता, बॉल पेन को। क्या लेके आए? इंक्रेजर। मेटा तो रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन टाइम लगेगा। देखो ना थोड़ा थोड़ा मिटा रही है ना, देखो थोड़ा मिटा दिया। नहीं ऐसा कहीं नहीं, मतलब ऐसे पागल बना दिया। पागल नहीं बनाया ऐसे, बहुत बहुत लोग यूज करते हैं ना इसलिए। अच्छा मैंने देखा था कि कुछ होता है। अच्छा तो ये अच्छी वाली नहीं होगी ज्यादा, इसलिए ज्यादा अच्छी वाली नहीं होगी। नहीं यही होती है इंक्रेजर। ये जो लिखा ही जा रहा है तो पता नहीं। एक सेकंड, लेकिन सार्थक को कुछ पसंद नहीं आया गिफ्ट? और नहीं सार्थक कुछ गिफ्ट पसंद नहीं आया तुझे? बेकार है, मिटा है नहीं, कागज फट गया। ये देखो पत्थर जैसी तो है, देखो मुड़ नहीं। हां और ये देख रहे हैं, ये दिखना दिखा नहीं जा रहा इससे। क्या कह रही मम्मा? ये कह रही थी कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं पसंद नहीं आया, आ गया चॉकलेट ही दे दिए बस। वो मिल नहीं रहा भी। अच्छा ऐसा क्या गिफ्ट है? बहुत स्पेशल स्पेशल गिफ्ट है। और मैया बच गया मेरा हाथ पकड़ने से। क्या था वो? ये क्या कर रहा था? मैंने बहुत संभाल के मैंने ऐसे पकड़ रखा था और एकदम से ऐसे कर दी। हो आई हाँ ना ना, ये बेटा कागज काटने के काम आता है तो इसको बहुत ध्यान से यूज करना है। पेंसिल काटने के काम लाया है। अच्छा पेंसिल शगुन क्या दे रहा है? नहीं देख रहा हूँ शगुन हमारा सोच रहा है क्या दूंगा। तो दोस्तों इधर चल रही है मक्का की रोटी बन रही है और साग बन चुका है। मक्का की रोटी तो मम्मी ही बनाती है, तो मम्मी बना रही है इधर। कल क्या बनाओगे अम्मा? कल बताओ क्या खाओगे, क्या खाएगा? छोले भटूरे बना देना है। और पाव भाजी तो अभी खाई थी। पाव भाजी देख लो आपका मन जो कहोगे वो बना दूंगी मैं।
ठीक है, छोले भटूरे खाने हैं या कुछ और खाना है, तुम दोनों डिसाइड करके थोड़ी देर में मुझे बता दो, क्योंकि सब दोनों के अलग अलग चल रहे हैं। तो साता कह रहा है हल्का फुल्का बनेगा, और शगुन भी कह रहा है अब दिन में बनाना कुछ हल्का फुल्का, और रात को हम बाहर जाएंगे डिनर करने, और सुबह 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 भी हल्का फुल्का चाट बना लेंगे, मैगी बनाएंगे कल, मैगी मैं तो कल मैगी खाऊंगा। किस तरह सुबह तो स्कूल जाओगे? अच्छा, फिर स्कूल में तो मैगी ले जाना अलाउड नहीं है, दोपहर को बना दूंगी कुछ, है ना? अब सोच के बताएंगे, अभी कैसे बता दें हम, तुम बताना। मैं तो बता रहा हूँ क्या, चलो फिर सोच लेना दोनों जने। सोच लिया तो इधर भिगो दिया मैंने छोले, और तो बनाएंगे सुबह छोले और बथुए की पूड़ी, बच्चों का भी बनाएगा नहीं, मैं हाय कर रहा हूं। अच्छा, तो बच्चों का अब डिसाइड हो गया। ओ भाई, इतने गिफ्ट का इतना हो रहा है इसको, सब गिफ्ट ही तो है बेटा, आपकी गिफ्ट है। लेकिन मैं तो दूंगा आपका गिफ्ट है, गिफ्ट है क्या दोगे? कल परसों तक दे दूंगा। अच्छा, स्पेशल गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट। बच्चे हमसे हम इतने खुश नहीं होते, इतने बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है सबके बर्थडे की, ऐसा नहीं अपने अपने पे फिर ये कहेगा अपने पे भी स्पेशल चाहिए कि ना, मतलब आप मुझे स्पेशल करो मेरे गिफ्ट बर्थडे पे, दूसरों के पे भी करता है ये स्पेशल और अपने पे भी करवाता है, है? इसका जनवरी में है, 17 जनवरी का। चले फिर, चलो महाराज, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।